सबको बताना चाहता हूँ, सिर्फ पढ़ने में ही नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान देना चाहिए। सर, हम तो सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज में ही ध्यान देते हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या हम को करिकुलर एक्टिविटीज से एग्जाम पास कर सकते हैं? नहीं, लेकिन अगर थोड़ा पढ़ाई और किताबों के अलावा अच्छी हॉबीज में ध्यान लगाएं, तो पढ़ाई भी बेहतर होती है। चलो बताओ, किसकी क्या हॉबीज है? सर, रोहन की और मेरी तो एक ही हॉबी है, सोना। सॉरी सर। सर, मेरी हॉबी है वायलिन बजाना। मैं डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन में भी पार्ट ले चुकी हूँ। वेरी गुड, देखा मिनी की कितनी अच्छी हॉबी है। इसीलिए मैं इस स्पेशल हॉबी स्टार बोर्ड को लगाकर सबसे पहले मिनी का नाम लिख रहा हूँ। और कोई? सर, सर प्रिंटिंग, सर सर ड्राइंग, सर सर क्राफ्ट। सर, मैं फोटोज खींचता हूँ सर। केमोन, मुझे भी हॉबी चाहिए, और उस बोर्ड पे स्टार के साथ नाम भी। हम में से किसी की कोई हॉबी नहीं है केमोन, अब क्या करें? अरे, तुम सबकी हॉबी है ना म्यूजिक। म्यूजिक इज द कूलेस्ट हॉबी इन द वर्ल्ड डूड्स। चाहे हो बॉलीवुड सॉन्ग्स या हो म्यूजिक चैनल पे, म्यूजिक इज अ हॉबी यो, और म्यूजिक तो सबके अंदर है डूड्स। हाँ, लेकिन हमें तो कुछ बजाना या गाना आता ही नहीं। तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे। और आइडिया, क्यों ना हम सबकी एक कलेक्टिव हॉबी हो, एक बैंड। रॉक बैंड डूड्स, लेट्स रॉक एंड रोल। चलो सब ऑडिशन करते हैं। पर ये गिटार, ये सिर्फ स्टाइल के लिए डूड, बजाना तो मैं तुम्हें 2 मिनट में सिखा दूंगा, पहले बैंड तो बना ले। अरे, किस चीज से ऑडिशन करना है? डूड, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से चाहे ऑडिशन कर लो। ये। अरे पहलवान जी, बजाना है सिर्फ उठाना नहीं है। इतना बड़ा भी कोई गिटार बनता है क्या? मेरे साइज के लिए लाना था। जाने दो राहुल। अरे रुक ना, कुछ और तो ट्राई करने दे। रूड, डोंट बी रूड, माफ कर दो, आपसे नहीं होगा। अरे नहीं यार, कुछ तो ट्राई करने दो। ये इलेक्ट्रिक गिटार बजाता हूँ। इलेक्ट्रिक गिटार? ये पहले वायर लगा दूं? क्यों है? अरे डूड, वो इलेक्ट्रिक गिटार नहीं है, रोहन के गिटार का नाड़ा है लटकाने के लिए। जोर का झटका जोर से लगा। अरे चलो, बैंड बनाना भी है कि नहीं? नॉट
बैड नॉट बैड बॉयज, थोड़ा फीलिंग और लाओ, कम ऑन। डूड्स, ये हुई ना बात, तुम लोग तो म्यूजिकल हैं? सिड भाई, जरा अपनी ड्रमस्टिक्स को चेंज करेंगे, ये थोड़ी मोटी है, ये वाली लीजिए। रोहन डूड, कम ऑन, फील करो और बस हाथ घुमाओ। सर, हमारी हॉबी मिल गई। क्या है तुम लोगों की हॉबी? म्यूजिक इज अ हॉबी सर, और हम सब ने मिलके बैंड भी बनाया है। ठीक है, अगले हफ्ते कुछ परफॉर्म करके बताना तो मानूंगा। आया वॉशिंग मशीन में झाग, धुलवाऊं कैसे? हिदेर, यो यो यो। किमोन, कितना मजा आ रहा है ना? हाँ, इतना एंजॉय तो मैंने कभी नहीं किया। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं माता जी, अपनी हॉबी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, आपसे पढ़ाई तो होती नहीं है, अब ये नया शौक पाल लिया। माता जी, आई प्रोटेस्ट, हॉबीज तो बहुत जरूरी होती है। हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ाई करें तो। पिछले यूनिट टेस्ट में तो फेल हो गए, अब जब तक अगले में अच्छे मार्क्स नहीं आते बंद करो ये सब। चलो राहुल, सिड, घर जाओ, रोहन को पढ़ाई करनी है। अरे माता जी प्लीज। चलो पढ़ने बैठो, चलो। और आप बाहर चलिए, इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं बात करता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से। नहीं सर, और नाराज हो जाएंगी माता जी, हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे थे कि अगले हफ्ते हम आपको कुछ नहीं सुना पाएंगे। तो फिर ये हॉबी स्टार्स भी नहीं मिलेंगे। इन स्टार्स के लिए तो मैं रोहन की माता जी से भी लड़ जाऊंगा। हम प्रोटेस्ट करेंगे, चलो मेरे साथ। ओए हॉबी के दुश्मनों, बाहर जाकर। राहुल, यस आंटी, घर जाओ, और सिड तुम भी। ओके आंटी, गुड नाइट आंटी। कोई फर्क नहीं पड़ता किमोन, माता जी कभी अलाउ नहीं करेंगी। अरे तो हम उनको पता ही नहीं चलने देंगे। डूड, माता जी चाहती है कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तो पहले उस पर दो, फिर जब माता जी सो जाए तो म्यूजिक पर। लेकिन कैसे, उनको पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। डूड, डोंट बी रूड, देखो मेरा कमाल। अप्पल पप्पल चप्पल चा, टॉयलेट में सुन लो मेरी बात। अब ये रूम बन गया है साउंड प्रूफ, यानी माता जी भी खुश और पढ़ाई के बाद हमारी प्रैक्टिस भी जारी। चलो गुरु, हो जाओ शुरू। वाह, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया तुम सभी ने, तुम सभी का नाम जा रहा है बोर्ड पर।
और अब कल के यूनिट टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। ये रहा रोहन का रिपोर्ट कार्ड, देखिए। रोहन जी, माता जी, इतने अच्छे मार्क्स। बच्चों को हॉबीज फॉलो करने देते हैं तो उनका स्टडीज में भी मन ज्यादा लगता है, माइंड भी डेवलप होता है। इसकी म्यूजिक की हॉबी की वजह से इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। हॉबी? पर इसने तो वो माता जी, हम लोग रात में प्रैक्टिस करते थे पढ़ाई करने के बाद। वो मैजिक से मैंने रूम को साउंड प्रूफ कर दिया ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। सॉरी माता जी। अच्छा किया तुमने कीमोन, और मिशा सर ने भी सही कहा। आजकल इतना कंपटीशन हो गया है कि बच्चों को पढ़ाई में धकेलना ही याद रहता है, उनकी हॉबीज को इनकरेज करना नहीं। तो अब से रोहन म्यूजिक भी सीखेगा और पढ़ाई भी करेगा। ओके, ये जय माता जी। ये क्या है? मेरी भी हारमोनियम बजाने की और गाने की हॉबी थी, लेकिन मेरे डैड ने मुझे मना किया। अब मैं नहीं रुकूंगा, देखना मेरे ऑफिस में काम भी बेहतर हो जाएगा। बेटा कीमोन, प्लीज पूरे घर को साउंड प्रूफ कर दो। जी माता जी। छोटे हैं तो इंसल्ट करते हैं हर रोज। I know it ain't fair, baby. दिखा देंगे दुनिया को, you guys and me. Study teacher parents इन सब का pressure. Handle करना है हमारी greatness का measure. जो भी तुम्हें doubt करे या तुम पे shout करे, उनको अपने attitude से हम चलो out करे. Put your hands up, and that's what Keymon Ache. Put your hands up, 'cause we are cool and such. Put your hands up, nahi hatenge piche. Put your hands up, and don't you call us bache. Keymon Ache in the house, everyone air out. Keymon Ache in the house, all the cool kids shout. Keymon Ache.